वडोदरा शहेरना सयाजीगंज विस्तारमां 16 લાખની લૂંટના આરોપીઓ પકડાયા નથી અને ત્યાં જ ફરી એક વખત લૂંટની ઘટના બનવા પામી છે। શહેરના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં ગઈકાલે સાંજે કાર ચાલક સિનિયર સિટીઝન સાથે થયેલી 50,000 રૂપિયાની રોકડની રકમ લૂંટની ઘટના બની હતી। આ કેસમાં પોલીસ દ્વારા ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીઓને ઝડપાડો છે અને 50,000 રૂપિયા આરોપી પાસેથી રિકવર કર્યા છે। सीनियर सिटीजन की कार अने आरोपीओनी बाइक वच्चे सामान्य अकस्मात थयो अने त्यार बाद ज आरोपीए सीनियर सिटीजन पासेथी रूपिया पड़ावी लीधा हता। त्यारे पोलीसे बातमी अने सीसीटीवी ना आधारे आरोपी मोहसिन उर्फे मांजरो पटेल नी धरपकड़ करी हती। बजार नाका पासे एमनी फोर व्हीलर अने आ कामना आरोपी नी टू व्हीलर एमा सहज अथड़ाई हे जी अनुसंधाने मोटरसाइकल पर आवेलो शकमंद ईसम नीचे पड़ी गयो अने पोतानी आने फोर व्हीलर वाला फरियादीए एक्सिडेंट करी एम करीने झगड़ो तकरार कर्यो। ए झगड़ो तकरार एक बहानुं हतुं अने आ कामना फरियादी के जे 77 वर्षना छे एमना खीचामां 50,000 रोकड रकम हती अने उमरनो लाभ लई आ कामनो आरोपी एमना खीचामांथी 50,000 रोकड लई अने भागी छूट्यो। आ घटना घटी के तुरंत ज फरियादीए सयाजीगंज पोलीसनो संपर्क करेलो। लूंटनी 50,000 रोकड़नी लूंट हती अने आरोपी पासे एक मोटो चप्पू पण हतो जेथी फरियादीनी फरियाद आधारे गुनो रजिस्टर करी बे टीमो बनायेली एक सर्वेलन्सनी टीम के जे सीसीटीवी फूटेज बनायेली अने बीजी टीम वाहन चेकिंग में चालू राखेली। आ टीम आधारे अमने चोक्कस बातमी मळेली अने सीसीटीवी फूटेज आधारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस आधारे पण व्यक्ति आइडेंटिफाई थयेलो। आ व्यक्ति नामो रीढ़ो गुनेगार छे एनी पोलीसे धरपकड़ करेली छे।